Hi Jawari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So aaj hum karne wale hain Memories of Childhood Part 2 jo ki Bama ne likha hai aur discussion karne wale hain is chapter pe. तो अगर आपके पास NCERTs हैं तो खोल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको NCERT से anyway पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ. इसके बाद में हमारा सारा जो सिलेबस है क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट हो जाएगा. सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा. ऑल्सो मैं डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हर चीज़ के लिए क्रिएट कर रही हूँ जो कि आपको मदद करेगा वीडियोज़ को ईजिली फाइंड करने के लिए. तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर दीजिएगा क्योंकि आई एम द ओनली वन जो सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट वहाँ पर चेक कर लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड मिल जाएंगी एंड यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस एट वन प्लेस. तो चलिए फिर दैट विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और चैप्टर है बामा, इसका ऑलरेडी एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसे जितकल असा ने लिखा था और वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से लाइफ के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम कुछ भी कहते हैं या उनके साथ में जीवन के अंदर कुछ भी होता है तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, बल्कि वो गलत बात है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ में बचपन में होती हैं वो हमें एज अ पर्सन एज एन एडल्ट कहीं ना कहीं शेप करती है. यहाँ पर ऐसा ही था. आप देखेंगे किस तरीके से जितला शाह ने याद रखा था कि उनके बचपन के अंदर उनके साथ क्या हुआ था और आज अगर हम बात करते हैं तो उनकी पर्सनालिटी को उस चीज़ ने काफ़ी शेप किया. एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बामा के केस में हुआ है. इनफैक्ट ये जो कहानी वो अभी हमारे साथ में शेयर करने वाली है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये वाली जो कहानी है इसके अंदर तो वो थर्ड क्लास के अंदर पढ़ रही थी. तो वो इतनी कोई बड़ी भी नहीं थी, इतनी छोटी थी और इस टाइम की जो स्टोरी है वो हमारे साथ में शेयर करती है. तो सोचो अगर थर्ड क्लास की कोई याद उनके दिमाग के अंदर है और जब वो ऑथर बनी है उस टाइम पर उन्होंने उस याद को हमारे साथ शेयर किया तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उनके दिमाग पर पड़ा होगा, उनकी पर्सनैलिटी पर पड़ा होगा. आप सबने सुना होगा कि इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा सोशल ईविल हुआ करता था, अनटचेबिलिटी. इनफैक्ट देश के बहुत रिमोट कॉर्नर्स में अभी भी ऐसा होता है. ये अनटचेबिलिटी का कुछ रियल एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं बामा के साथ में. बामा एक ऐसे यू नो एक क्लास से बिलोंग करती है जो कि अनटचेबिलिटी का शिकार थे और यहाँ पर बामा हमारे साथ उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती है. यार ये जो अनटचेबिलिटी है, कास्टिज्म है, इतने ज़्यादा जो हम लोग कम्युनलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, न जाने कितनी सारी जो चीज़ें हैं हम जब रिलीजन को या कोई मेजॉरिटी को या कोई माइनॉरिटी को या कह सकते हैं किसी रेस को या किसी सेक्स को किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये सारे के सारे जो नोशंस हैं बच्चों ये कहीं ना कहीं आपके लेवल तक तो फिर भी आपको समझ में आता है, एक छोटे बच्चे को नहीं समझ में आएगा. अगर एक छोटे बच्चे को आप मंदिर में नहीं जाने दोगे तो उसे नहीं समझेगा, एक छोटे बच्चे से अगर आप काम कराओगे तो उसे नहीं समझेगा, उसके मॉम डैड को ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है उसे नहीं समझेगा. तो एक छोटे बच्चे के साथ में इस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ. आपको पता है ये जो नफरत का बीज होता है या ये जो डिस्क्रिमिनेशन का बीज होता है ये बचपन में ही बो दिया जाता है और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है. अगर आज हम और आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग सब इक्वल हैं और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं इसका बीज ही अगर हम बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे तो वो बड़े होकर वैसा रिएक्ट ही कभी नहीं करेंगे. तो ये थीम के अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व करता है. अनटचेबिलिटी इसका सेंट्रल आइडिया रहेगा और किस तरीके से एक छोटे बच्चे के दिमाग पर उसने घर कर लिया वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई बामा ने डिस्कस की है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का सेंट्रल थीम है, तो प्लीज़ उन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपने आंसर्स के अंदर उसे मेंशन करें. ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता देती हूँ जितनी स्टोरीज हम कर रहे हैं ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो आज के टाइम पर एप्लीकेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं. सो मेक श्योर कि आप उसे अभी से रिलेट ना करने लग जाएं. ये एक स्टोरी है, एक इंसिडेंट है जो कि एक ज़माने को बिलोंग करता है जब अनटचेबिलिटी अपने पीक पे था. ओके, सो वो शुरुआत करती हैं इस पूरे स्टोरी की और बताती हैं कि जब वो थर्ड क्लास में थी उन्होंने अभी तक लोगों को ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था. उन्हें नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी नाम की चीज़ क्या होती है और ना ही उन्होंने लोगों को इस तरीके से डिस्कस करते हुए देखा था. बट कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ तो व्यवहार हो रहा था, उनके साथ एक अजीब तरीके से लोग बिहेव तो ज़रूर कर रहे थे. उन्होंने इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं फील किया था, इसे एक्सपीरियंस किया था, इस बिहेवियर को देखा था और इससे वो कहीं ना कहीं लज्जित हुई थी या कह सकते हैं शर्मिंदा हुई थी या कहीं ना कहीं उन्हें इंसल्ट किया जा रहा था.
तो मतलब ना वो एक्सपीरियंस कर पा रही थी, वो फील कर पा रही थी कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। वो समझ पा रही थी कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये मुझे डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि अनटचेबिलिटी नाम का एक सोशल इवेल है। अभी तक उन्हें ये नहीं आइडिया था कि ये अनटचेबिलिटी क्या होता है, उन्हें बस ये पता चल रहा था कि ये जो भी होता है उसे जरूर उन्होंने देखा था, जरूर महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, और जरूर उससे वो लज्जित हुई थी, उससे वो ह्यूमिलिएट हुई थी। तो अभी वो बताती हैं कि एग्जैक्टली ये जो अभी जैसे जो मैंने आपको थीम डिस्कस किया था, ये यहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन इसकी ले कर दी। और वो बताती हैं कि एक दिन की बात है जब वो घर से स्कूल जा रही थी, जब वो घर से स्कूल जा रही थी और वही उनका एक ओल्ड बैग जो है उन्होंने टंगाया हुआ था। पहले ज़माने में ओल्ड बैग आया करते थे, रेक्टेंगल उनका शेप हुआ करता था, बहुत ही मोटे फैब्रिक के होते थे और उनमें ऐसे डिमार्केशन हो सकता था, ऐसे सेक्शन होता था, एक तरफ आप अपना टिफिन डाल सकते हो, बॉक्स डाल सकते हो, बुक्स डाल सकते हो, कॉपीज डाल सकते हो, एंड उसे आप टंगा सकते थे, चौड़े बहुत वो बैग्स हुआ करते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने एक बहुत ही पुराना बैग जो है वो अपने शोल्डर के ऊपर टंगाया हुआ था। और अभी आपको बताती हूँ कि ये आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। अब जैसे कि आप क्लास 12 से निकल रहे हो तो मुझे लगता है कि ये स्कूल की याद तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। यार कभी कभी ऐसा होता है क्लास 12 के अंदर हम इतना ज़्यादा स्कूल नहीं जाते हैं, बट जब भी हम स्कूल जाते हैं या फिर हमारी पुरानी यादें जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर्स से वापस आ जाती है, राइट? जैसे कि जब भी स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे दोस्तों के साथ में हम इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि अगर ऐसा कोई दिन हो जिस दिन कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और सिर्फ दोस्तों से बातें कर रही है तो वो बेस्ट दिन होगा। इसीलिए हम कहीं ना कहीं वो स्पेस अपने फ्रेंड्स के साथ में ढूंढते हैं, चाहे वो रिसेस के टाइम पे हो या फिर छुट्टी के टाइम पे। तो हो सकता है कि हम घर 5 मिनट में पहुंच जाए, 10 मिनट में पहुंच जाए, बट क्योंकि दोस्तों के साथ में घूमना फिरना होता है, मोमोज खाने होते हैं, हाँ आलू पैटीज ट्राई करनी होती है, न जाने क्या क्या करना होता है, तो इसकी वजह से हम लोग घर लेट ही पहुंचते हैं। ऐसा ही कुछ बामा के साथ में था, बट बामा तो अपने 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 आप में इंजॉय करती हुई चलती थी। वो कहती थी कि वो एक्चुअली यहाँ पर अपना जो डिस्टेंस है, लाइक अपने स्कूल से लेकर उनके घर का जो डिस्टेंस है उसे 10 मिनट में इजीली तय कर सकती थी, ठीक है? 10 मिनट में वो आराम से घर पहुँच जाती, बट यूजुअली उन्हें घर पहुँचने में 30 मिनट तो लगते ही लगते थे, 30 मिनट तो लगते ही लगते थे, ये तो मिनिमम वो बता रही है। बोला कि वैसे तो मैं घर पहुँच सकती हूँ आराम से 10 मिनट के अंदर, पर मुझे यहाँ पर पहुँचने में 30 मिनट लग ही जाते थे। और अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा और सोचूं, थोड़ा और इधर उधर घूमूं, थोड़ा और इधर चीज़ें देखूं, तो एक आध घंटा और लग जाता था, मतलब आधे घंटे से एक आध घंटा और ज़्यादा लग जाता था। तो आप कह नहीं सकते, मतलब एक बार स्कूल से निकल ली, मार्केट के अंदर पहुंच गई, तो 100 चीज़ों को देखूंगी और देखते देखते टाइम निकल जाएगा। अब वो यहाँ पर पूरे मोहल्ले में इसी तरीके से घूमती रहती थी, बहुत ज़्यादा मज़े देखती थी, बहुत ज़्यादा गेम्स देखती थी जो हर जगह हुआ करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें उन्हें स्ट्रीट्स पे देखने को मिलती थी, उन्हें दुकानों में देखने को मिलती थी, और उनका जो बाज़ार लगता था उस बाज़ार के अंदर भी देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एक हिस्सा जो है वहाँ पर डिस्कस किया है कि वो किन किन चीज़ों को देखती हुई चलती थी, एंड स्लोली वो हमारे जो चैप्टर का थीम है वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो वो बताती है कि किस तरीके से जब वो घर जा रही होती थी तो नाचते हुए बंदर को देखा करती थी, वो एक स्नेक को देखा करती थी जिसे सपेरा कहीं अपने बॉक्स के अंदर रखा करता था और टाइम टू टाइम दिखाया करता था, एक साइकिलिस्ट को देखा करती थी जो कि साइकिल करी जा रहा है और सारे लोग उसे देखते रहते थे, वाह वाह, और वो वहाँ पे साइकिल से इतने दिनों से उतरा नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ वो यहाँ पर देखती थी एक स्पिनिंग व्हील को, मारियाता टेम्पल वो देखती थी, वहाँ पर एक बड़ा सा बेल जो था वो टंगा हुआ था उसे वो देखा करती थी, वहाँ पर पोंगल की ऑफरिंग मिलती थी जो कि टेम्पल के सामने बनती थी, प्रसादम, तो वो प्रसादम टेम्पल के सामने बनता था, तो वो ऑफरिंग को भी ठीक है, तो वो सारी ऑफरिंग को वो देखा करती थी। वहाँ पर एक ड्राइड फिश स्टॉल था जो गांधी जी के स्टैचू के पास में था, उस स्टॉल को देखती थी। अच्छा, एक मिठाई की दुकान भी थी, दुकान नहीं कह सकते, स्टॉल होती थी। आपको तो पता ही है कि बेस्ट अगर किसी जगह की लोकल मिठाई टेस्ट करनी हो तो वो स्टॉल्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे यहाँ पर ना स्टॉल्स पे आगरे के दैट इज़ आगरे हम बोलते हैं, बट दैट इज़ फॉर आगरा, तो आगरे के पेठे मिलते हैं, तो उनको लोग सेल भी आगरे के पेठे करके बोलते हैं। आई नो दैट साउंड वेरी फनी, बट वैसे आई कॉन्ट टेल यू एग्जैक्टली, बहुत ही स्वीट होते हैं।
जेली लाइक। तो यस, तो आपको वहां पर मतलब वो एक ऑथेंटिक टेस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको फ्राइड स्नैक्स वहां पर देखने को मिल जाते थे। अच्छा, और सारे के सारे एक एक करके सारी दुकानें देखने को मिलती थी, स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती थी, कैसे वो झपकती थी, ब्लू से वायलेट कन्वर्ट हो जाती थी। अच्छा, इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर ट्राइब का भी वो यहाँ डिस्कशन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि किस तरीके से नारीकूर वन हंटर जिप्सी भी वहां पर लोग भी वहां देखने को मिलते थे, जो अपने वाइल्ड लेमूर को केजेस में लेकर चला करते थे। अच्छा, इसके साथ में वो लोग क्या करते थे, नीडल्स बेचते थे, क्ले बीड्स बेचते थे, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बेचते थे, छोटी मोटी चीजें जैसे कान वान साफ करने के लिए, तो ना ऐसी छोटी मोटी चीजें वो बेचा करते थे। तो अगर आप चाहो तो उनसे खरीद सकते हो। वो कहती है, अरे मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बता ही जा सकती हूँ कि ये होता था, ये होता था, ये होता था, मतलब बता नहीं सकती कितनी सारी चीजें देखती थी मैं। तो अभी हर चीज जो मैं यहाँ देख रही हूँ ना, ये हर एक चीज मुझे रोक देती थी, हर एक चीज मुझे रोक देती थी, और पता नहीं मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देती थी। मैं जिस भी चीज को देखती थी ना, मैं रुक जाती थी, मैं देखने लग जाती थी कि ओहो ये क्या हो रहा है, और मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती थी फॉर सम रीजन। तो ये डिस्कस किया उन्होंने कि एग्जैक्टली क्यों इतना उनको टाइम लग रहा था। फिर वो बताती हैं कि इसके बाद में कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से आया करते थे, ठीक है, एक स्टेज सजाया करते थे, और स्टेज सजा के सारे लोग माइक पे पूरा का पूरा एक शो लगाया करते थे। हाँ, हम लोग गरीबी हटाएंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो वो होता था, कभी कभी एक स्ट्रीट प्ले हो जाया करता था, कभी कठपुतलियों का नाच होता था या शो होता था, कभी नो मैजिक नो मिराकल जैसे शोज होते थे जिसके अंदर हाथ की सफाई दिखाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें होती थी, स्टंट परफॉर्मेंस, ये वाली स्टंट परफॉर्मेंस होती थी। ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती थी, बट टाइम टू टाइम होती थी। जैसे आज मान लीजिए कोई स्ट्रीट पे प्ले हो रहा है, तो कल एक पपेट शो था, तो इस तरीके से टाइम टू टाइम ये चीजें जो है हुआ करती थी, एक साथ नहीं होती थी, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से तो एंटरटेनमेंट होता ही था। मतलब हर दिन आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन कुछ भी नहीं हो रहा होता था। ऑल राइट, अच्छा, इसके अलावा अगर बाई चांस और हम लोग देखें कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी, जैसे कि कॉफी क्लब्स थे बाजार के अंदर, और उसे बड़ा मजा आता था जिस तरीके से वेटर कॉफी को ठंडा करता था, एक टम्बलर लेकर दूसरे टम्बलर से इस तरीके से कॉफी डालता था और ऐसे ऐसे करके जगल करता था, तो वो झाग बन जाते थे, झाग वाली कॉफी, है ना। तो बोला कि वो इतना इतना अमेजिंग उसे लगता था, इतना ऐसे ऐसे हो जाती ना, वो यहाँ पे अटक जाती थी, देखने लग जाती थी कि कैसे कॉफी अंदर जा रही है, कैसे झाग बन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में कभी कभी कुछ लोगों को वो देखा करती थी जो दुकानों के सामने बैठकर प्याज काट रहे होते थे, और प्याज काटते इधर प्याज काट रहे होते थे, बात उधर कर रहे होते थे, क्योंकि नहीं तो आंखें जलने लगेंगी। तो वो देखा करती थी। फिर इसके बाद में वो देखती थी वहां पर बादाम का ट्री था। अब ये बादाम का जो पेड़ था, उस बादाम के पेड़ से कुछ फ्रूट्स नीचे गिरते रहते थे, जैसे ही हवा आती थी तो उस हवा के साथ में बादाम नीचे गिरते थे। ये कौन सी जगह है जहाँ बादाम नीचे गिर रहे हैं। हाँ, मैं टिपिकल राजस्थानी, इस चीज को मेरे ख्याल से मैं अपने तरफ से स्वर्ग कहना चाहूंगी, ठीक है। तो हवा आ रही है, हवा के साथ में नीचे बादाम गिर रहे हैं, ये सारी चीजें पता नहीं क्यों बस उनके पाओ को बांध दिया करती थी, और बोलती थी नहीं घर नहीं जाने देंगे। ये सारी की सारी चीजें उन्हें रोक लिया करती थी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, घर जा ही नहीं पाती थी, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कस किया। इसके बाद में वो बताती हैं कि यहीं पर बात खत्म नहीं होती, फिर सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलेंगी, अलग 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 चीजों के पेड़ देखने को मिलेंगे, फल उनके देखने को मिलेंगे, कभी मैंगो, कभी क्यूकम्बर, कभी शुगर केन, स्वीट पटेटो, पाम शूट, ग्राम पाम सिरप, पाम फ्रूट, ग्वावा, जैक फ्रूट, कुछ भी आपको ये देखने को मिलेगा, जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को देखने को मिलेंगे। सर्दी इतनी पड़ चुकी है दैट अब अभी हमें चाहिए कि बस मैंगो आ जाए। एनीवे, तो यहाँ पर इस तरीके से वो बोलती है कि सीजन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें वो देखा करती थी। हर दिन वो देखती थी बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बेच रहे होते थे, कुछ नमकीने बेच रहे होते थे, कभी पायसम बेच रहे होते थे, हलवा बेच रहे होते थे। अच्छा, बाय द वे, दिस इज आई डोंट नो हाउ इट्स प्रोनाउंस करेक्टली, बट इट्स अ डिश जिसके अंदर चावल और दूध से बनाई जाती है ये डिश, तो खीर से इसकी ज्यादा कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है बेसिकली। तो ये होता था, कभी हलवा मिलता था, कभी बॉयल्ड आलमंड सीड्स मिलते थे, आइस लॉलीज देखने को मिलती थी, आइस लॉलीज बर्फ का गोला, तो ये सब वहां पर देखने को मिलता था। और ये सारी चीजों को निहारते निहारते
कि सारी चीजों को देखते देखते एक दिन मैं पहुंच जाती हूँ मेरी स्ट्रीट पे। अब भी मेरे कंधे पर मेरा बैग जो है वो टंगा हुआ है, और दूसरे कोने पे, मतलब एक कोने पे वो है और दूसरे कोने पे बैग टंगा के दूसरे कोने पे एक थोड़ा सा हाइट पे, ठीक है, एक थ्रेशिंग फ्लोर यानी कि थोड़ा सा हाइट पे एक फ्लोर बनाया हुआ है और वहां पर एक लैंडलॉर्ड को बिठाया हुआ है। अब ये जो लैंडलॉर्ड है वो वहां पर बैठकर सारी प्रोसीडिंग्स देखता है। अगर आपने कोई मूवी का ऐसा सीन देखा होगा, एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे थोड़ा सा हाइट पे कुछ एक फ्लोर बनाया जाता है, वहां पर मुखिया जी या कोई जमींदार जी जो हैं उनके लिए कुर्सी लगाई जाती है, उस पे मुखिया जी जाकर बैठते हैं एंड देन उसके बाद में बाकी सारे लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रोसीडिंग्स के लिए आते हैं, कोई न्याय के लिए आता है या पता नहीं क्या क्या, है ना, कभी कभी पैसे वैसे लेने के लिए भी आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बस ऐसा ही कुछ सीन था, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये लैंडलॉर्ड वहाँ बैठे हुए थे और वो प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर पूरा, अच्छा ये बैठे वो कहाँ पर थे, बैठे थे वो एक पट्टी पे, ऐसा होता है ना कि एक स्टोन का एक ऐसे लेज बना हुआ है जहाँ पर वो बैठ सकते हैं, और वहां पर बैठने के लिए भी आपने सोचा एकदम ऐसा पूरा ऐसे स्प्रेड करके और उसके ऊपर वो बैठे हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड जी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत सारे लोग जो है वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला है आर पीपल यानी कि उनके कम्युनिटी के लोग, उनकी गली के लोग। वो बोलती है कि मेरे गली के लोग या मेरे कम्युनिटी के लोग बहुत ही मेहनती थे, वो लोग बहुत काम करते थे, वो कैटल को यहाँ पर पैर्स में चलाया करते थे, गोल 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 चलाया करते थे ताकि से स्ट्रॉ से ग्रेन को अलग किया जा सके। तो बेसिकली वो खेतों के अंदर काम करते थे जहाँ पर वो जो स्ट्रॉ में से ग्रेन को अलग किया जाता था वो काम वो लोग किया करते थे, और लैंडलॉर्ड फिर डेफिनेटली उसे ले जाकर बेचा करते होंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते थे कि ये बेचारे बड़ा ही बहुत ही हार्डवर्क किया करते थे, और बेचारे एनिमल्स भी बहुत काम करते थे, एनिमल्स को इनफैक्ट मजल भी किया जाता था। देखो कितना ज्यादा ऑब्जर्वेंट थी बामा, है ना, वो देखती थी कि किस तरीके से एनिमल्स को मजल किया जा रहा है, दैट मीन्स उनके मुंह को बांध दिया जा रहा है, और उनके मुंह को इसके लिए बांध दिया जा रहा है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कहीं एनिमल्स खुद पेट पूजा ना कर ले कि चलो अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स को मजल कर दिया जाता था ताकि वो कुछ खाने ना लग जाए। अब ये सारी चीजें बामा को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, वो देखने लग जाती थी प्रोसेस को कि किस तरीके से उनके गली के लोग जो हैं वो उन्हें चला रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा ग्रेन से ग्रेन अलग हो रहा है स्ट्रॉ से, हाँ, और किस तरीके से एनिमल्स का मुंह बांधा हुआ है, और वो ये चीजें देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा खुश हुआ करती थी, बड़ा एंटरटेनिंग उन्हें लगा करता था। ऑल राइट, तो इसके लिए अभी वो वहां पर कुछ देर खड़ी रही और इस फन को एक्सपीरियंस करती रही। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो वहां पर यूं खड़ी थी और इस फन को एक्सपीरियंस कर रही थी, एक एल्डर यानी कि एक बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके स्ट्रीट के, उनके गली के, उनके कम्युनिटी के डायरेक्शन से, कहाँ से आए, बाजार से, बाजार के डायरेक्शन से आए। दैट मीन्स वो वहां पर खड़ी हुई थी, देख रही थी किस तरीके से बाकी लोग काम कर रहे हैं, उसको मतलब उनको वो बहुत फनी लग रहा था, और इतने में बाजार जहाँ पर था उस बाजार के डायरेक्शन से उनके गली के या उनके कम्युनिटी के बुजुर्ग जो है वो चल के आ रहे थे। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। अब जिस तरीके से वो चल रहे थे वो उन्हें बहुत ही गुदगुदा रहा था, बहुत ही हंसी आ रही थी उन्हें देखकर। वो कहते हैं इतने इतने हमारे गली के एल्डर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे चल रहे थे, उन्हें देखकर हंसी आ रही थी, मतलब हंस हंस के लोटपोट होना चाहती थी। ऐसा क्या था भाई, देखो आई वॉन्टेड टू श्रेक विथ लाफ्टर, उन्होंने वो मतलब वो गिर पड़ जाना चाहती थी इस साइट के ऊपर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था इतना बड़ा इंसान एक छोटा सा पैकेट कैरी कर रहा है इतनी अजीब तरीके से, बोलो इतना बड़ा इंसान है और इतनी अजीब तरीके से छोटे से पैकेट को कैरी कर कर लेकर आ रहा है, तो मुझे तो देख देख कर हंसी आने लग गई थी, ऐसा बामा ने कहा। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वदई और ग्रीन बनाना भाजी। अब उन्होंने जैसे ही उस पैकेट को देखा, पैकेट को देख के ही गेस कर लिया कि इसके अंदर या तो वदई या फिर ग्रीन बनाना भाजी है, तो कच्चा बनाना जो होता है उससे उसकी सब्जी बनाई जाती है, तो बोला ये जरूर वो सब्जी है क्योंकि पूरा का पूरा रैपिंग पेपर जो था उसके ऊपर ऑयल लग गया था, दैट्स हाउ शी गेस्ड इट। अब फाइनली वो उसे ऐसे पकड़ते पकड़ते और कहाँ पर लेकर आया, लैंडलॉर्ड के पास में लेकर आया। अब वो जैसे ही उन्हें लैंडलॉर्ड के पास में लेकर आया, कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल उसको टच ना कर पाए, ठीक है,
अभी वो यहाँ पर देख रही थी, वो सोच रही थी उन्हें ये ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं। अगर ये ऐसे पकड़ेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा वदई जो है वो नीचे आकर गिर जाएगा। अरे ढंग से पकड़ो, पकड़ा पकड़ना है तो, नहीं तो ये पूरा नीचे आकर गिर जाएगा खाना तो, है ना। तो वो ऐसे यहाँ पर ये सोच रही थी। और इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उनका वो जो बूढ़ा बुजुर्ग है उनके आ, आ, गली के कम्युनिटी के, वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं वो थोड़ा झुकते हैं। तो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं तो पहले तो झुकते हैं, बेसिकली रिस्पेक्ट के अंदर झुकते हैं। और उसके बाद में ये जो पैकेट है इस पैकेट को उन्हें दे देते हैं। अब वो इंसान कहीं ना कहीं अपने हाथ को कप करते हुए ऐसा, इट्स लाइक कहीं ना कहीं ऐसे ऑफर करता है कि बिल्कुल भी हाथ उनका टच नहीं होना चाहिए, ना तो सामने वाले के ना बधे के। अब ऐसे में लैंडलॉर्ड क्या करता है, पार्सल खोल लेता है और खोल के उसके बाद में वधे खाना शुरू कर देता है। अब ये सारी चीजें उन्होंने देख ली होती है। और ये सबसे ज्यादा फनी चीज होती है उस दिन की, तो जैसे ही वो घर जाती है वो अपने एल्डर ब्रदर को जो कि वहां पर होता है उन्हें बताती है स्टोरी के बारे में और इसकी सारी कॉमिक डिटेल के बारे में। आपको पता है भैया वो इतना बड़ा सा आदमी था, वो बड़ा सा आदमी पता है किस तरीके से चल रहा था, ऐसे ऐसे उसने पकड़ा हुआ था अपने वो वधाई को, ऐसे ऐसे करके चल रहा था भैया, ऐसा लग रहा था वधाई गिर जाएगी। हाँ तो वो पूरा कॉमिक डिटेल्स के साथ में, जैसे छोटे बच्चे बताते हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ में अपने भैया को बता रहे थे। और सोचो ये बताते बताते भी वो इन्हें इतना ज्यादा हंसी आई उस इंसान को याद करते करते कि एक ऐसा इंसान किस तरीके से मजाक बना रहा था उस पार्सल का, कैसे मजे उठा उठा के उसके साथ में चले जा रहा था। वो ये सोच सोच के हंसे जा रही थी, लोटपोट होए जा रही थी। बट इतने में उन्होंने देखा कि ये इतनी मजाकिया बात बता रही है, पर अन्ना इस चीज को सुन के ना तो चौंके और ना ही उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन दिया। अन्ना ने इस चीज पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? अन्ना ने बताया कि वो जो इंसान है वो यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा था, वो इंसान वहां पर फनी नहीं था। उस इंसान ने ऐसे पैकेज पकड़ा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजाक बना रहा हो। इनफैक्ट वो बता रहा था, इनफैक्ट उनके अन्ना ने बताया, उनके भाई ने बताया कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज वाई वो हमें नहीं छूना चाहते। दैट मीन्स कुछ एक लोगों का ये मानना है कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए या उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। इफ दे डिड दे वुड बी पल्यूटेड, अगर वो हमें छू देते हैं तो इतने में वो दूषित हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग्स, एंड दैट इज वाई उन्हें वो पैकेज उसकी स्ट्रिंग से पकड़ के लेकर आना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसको छू देते तो वो पल्यूट हो जाती, दूषित हो जाती। तो अन्ना ने उन्हें बताया कि वो इंसान वहां मजाक नहीं बना रहा था, इनफैक्ट वो इंसान को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जा रहा था, एक पल्यूटेड इंसान के जैसे ट्रीट किया जा रहा था जो वदई को और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड को पल्यूट कर सकता था। When I heard this, अब जब यहाँ पर बामा ने इसके बारे में सुना, वो इस बात पर अब हंसना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट उन्हें तो बहुत बुरा लगने लग गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारे हैंड से अगर किसी मतलब चीज को टच करेंगे तो खराब हो जाएगी। वो वदई कैसे खराब हो सकती है अगर उसे पहले बनाना लीफ के अंदर फोल्ड किया गया था, फिर पेपर के अंदर फोल्ड किया गया, फिर थैली में डाला गया। हाँ वो कैसे पल्यूट हो सकती है, ये क्या सेंस है, कैसे वो हमारा हाथ उसमें लग जाएगा और वो पल्यूट हो जाएगी। उन्हें इतना गुस्सा हो गया था, वो इतना प्रवोक, इतना ज्यादा उत्तेजित हो गई थी, इतना ज्यादा गुस्सा उन्हें आ गया था। वो कहती थी आई वॉन्ट टू टच दोज रेच बदाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल आई वॉन्डर। बोला गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, अभी जाकर मैं टच कर देती हूँ वो वधाई, सारी वधाई टच कर देती हूँ, सारी वधाई पल्यूट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद में वो मतलब इतना गुस्से में होती है और एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन वो उठाती है। वो सोचती है यार हमें क्यों करना पड़ रहा है, नहीं हम क्यों लेकर आए कोई चीज इनके लिए, हम क्यों उन चीजों को उठाए इन लोगों के लिए। हाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्डर है हमारे गली का, इतना बड़ा बुजुर्ग है जिसकी हम इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, हाँ, और उस इंसान के लिए, उस इंसान के लिए, और वो इंसान झुकते झुकाते कैसे जैसे शॉप तक जाता है, जाकर स्नैक्स लेकर आता है, और स्नैक्स लेने लेने के बाद में बड़े रिस्पेक्ट के साथ में नीचे झुककर
नीचे झुककर उस इंसान को जो वहां पर सिर्फ बैठा होता है, बैठकर सिर्फ उसको वधाई खाने का काम होता है, उसे ऑफर करता है। बोलो क्यों भाई, हमारे कम्युनिटी का इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, दादाजी है हमारे कम्युनिटी के, हम लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, और वो इंसान जाकर वधाई लेकर आ रहा है मार्केट से और लाकर उनको इस तरीके से दे रहा है, और वो इंसान जो वहां पर लैंडलॉर्ड है बैठकर सिर्फ खा रहा है उसे। गुस्सा आ गया था, अब तो ओबामा को गुस्सा आ गया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उन्हें गुस्सा दिला रहा था, इंफ्यूरिएट कर रहा था। इतने में उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि ये लोग अपने आप को समझते क्या है, हाँ चार पैसे क्या जोड़ लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी ह्यूमैनिटी भूल जाएंगे। अरे हम भी तो लोग हैं, हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हाँ हम लोगों को तो इनफैक्ट, वो कहती है आवर पीपल शुड नेवर रन दीस पेटी एरेंड्स फॉर दीस फेलोज, वी शुड वॉक इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। बोला हमारे लोग इनके लिए एक्स्ट्रा काम करते ही क्यों हैं, और खास करके हम जो काम करते हैं ये लोग हमें उसी का तो पैसा देते हैं, तो हमें ये एक्स्ट्रा काम उनके लिए करने की क्या जरूरत पड़ गई, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करो, अपनी वेजेस लो और चुपचाप घर आ जाओ, ऐसा बामा का मानना था। अब इतने में वो हमें ये भी बताती है कि ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनके एल्डर ब्रदर ने भी किया था। वो बताती हैं कि उनके जो अन्ना हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ दिनों के लिए घर आए थे, और इसके लिए वो बहुत बार पास के जो विलेज है उसमें लाइब्रेरी में जाया करते थे पढ़ने के लिए या किताबें बोरो करने के लिए। जब वो घर आ रहे होते थे, खास करके इरिगेशन टैंक के पास में से जब वो गुजर रहे होते थे, तो एक बार की बात है, एक लैंडलॉर्ड का आदमी था, मतलब बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड के आदमी थे उनमें से एक लैंडलॉर्ड का आदमी था, वो आया उनके पीछे और बोला कि ये, मतलब उसने उसे ऐसा लगा कि अन्ना कुछ ज्यादा देखे पहचाने नहीं लग रहे हैं, बहुत ही अनफेमिलियर लग रहे हैं, और इसीलिए उसने आकर पूछा, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, तो आया और आकर बोलता है, अरे अप्पा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इतने में ये बामा की अन्ना ने अपना नाम बता दिया, ठीक है। इसके बाद में इमीडिएटली द अदर मैन आज, दूसरा इंसान पूछता है, तांबी और विच स्ट्रीट डू यू लिव। अच्छा भाई साहब ये बताओ आप कौन से स्ट्रीट पे रहते हो, कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। पहले वाले इंसान ने बामा के अन्ना से उसका नाम इसके लिए पूछा ताकि से वहां पे उन्हें उसका सरनेम पता चल जाए, और उसके बाद में भी बहुत सारे सरनेम्स में बहुत डिफरेंट कास्ट होती है, उन्होंने उसकी कम्युनिटी इसके लिए पूछी या फिर कौन सी गली में रहते हो वो इसके लिए पूछा, क्योंकि वो गली से वो समझ जाएंगे कि ये इंसान टचेबल है, अनटचेबल है, अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, बेसिकली उसकी कास्ट क्या है। ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे वो इरिगेशन टैंक से गुजर रहे थे उन्हें डर था कि ये इंसान कहीं ना कहीं इस पे हाथ अगर डाल देगा, कैसे टच कर लेगा, तो ये पल्यूट हो जाएगी अगर ये इंसान अनटचेबल हुआ, तो इसीलिए उन्होंने उससे नाम पूछा आगे जाकर और उसके रहने की जगह पूछी ताकि उसके कास्ट के बारे में भी पता कर सके। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई, और उन्होंने बोला बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी, हमें कोई भी रुतबा, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, हमसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं। पर उन्होंने समझाया बामा को, बच्चे अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हम तरक्की करेंगे, तो हम ये सारी बेइज्जतियों को, इन सारी इनडिग्निटीज़ को हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, हम लोग हमें ये बेइज्जतियाँ झेलनी नहीं पड़ेंगी। तो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन, तो ध्यान से पढ़ाई करो और जितना सीख सकती हो उतना सीखो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसंस, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन एकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। अगर तुम अपने लेसंस में सबसे आगे रहोगी, अपने क्लास में सबसे आगे रहोगी, तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे और अपने आप को तुमसे अटैच करना चाहेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसीलिए मेहनत करो और खूब सीखो। इसके बाद में वो बताती हैं कि ये जो शब्द अन्ना ने मुझसे कहे, ये उस दिन से मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन डाल दिया। मैंने बहुत मेहनत की, पूरा जी जान वहां पर लगा दिया, पागल ही हो गई, बावली हो गई मेहनत करते करते। और जैसे कि अन्ना ने मुझे बोला था,
और जैसा कि मैं चाहती भी थी, मैं क्लास में फर्स्ट आई। ऐसा इसके लिए, मतलब मैंने मेहनत की इसके लिए मैं क्लास में फर्स्ट आई, और क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आई मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो बामा शेयर करती है अपने चाइल्डहुड से, जब वो क्लास थर्ड में थी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये अनटचेबिलिटी क्या है और क्या नहीं। अब ऐसे में अगेन मैंने जैसे कि जो स्टार्टिंग के अंदर बोला था, जो इसका एक सेंट्रल आइडिया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का जो बीज होता है ये बचपन के अंदर ही बो दिया जाता है। और उसके बाद में सोचो, बामा इतनी बड़ी हो गई हैं और स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर रही हैं, और उसके बावजूद उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से याद है। ये बीज जो है उसके बाद में कब पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एंड दैट इज़ वाई इस तरीके के सोशल इवल्स अभी तक हमारे देश के बहुत सारे कोनों के अंदर चलते रहते हैं। अगर हम इन सोशल इवल्स को चलने से रोकना चाहते हैं, इन्हें पनपने से रोकना चाहते हैं, तो शुरुआत एक छोटे बच्चे से होगी। उसे इन सारी चीज़ों की तरह कुछ सिखाने की बजाय इक्वालिटी की मीनिंग सिखानी चाहिए। सिखाना चाहिए कैसे हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, कैसे हर एक इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, रिगार्डलेस ऑफ वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है, उसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू बाबा हमें वही बताना चाहती है कि एक छोटे बच्चे के साथ तो खास करके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन की यादों में ही सही वो इसे याद रखता है, और अगेन वो जब बड़ा होता है तो ये यादें ही उसे शेप करती हैं। एक सोशल ईविल को ख़त्म करने की टूवर्ड्स आवाज़ उठाने वाला चैप्टर है वी टू आर ह्यूमन बी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और मेरा नरेशन और इंटरप्रिटेशन भी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट डाउन कीजिएगा आपका फेवरेट पार्ट बामा के स्कूल से लेके घर तक की जर्नी का। एंड मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा धमाल मचाएं जिससे हमारे इंग्लिश में 100 out of 100 आए। So I'll see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care. I love you.